को पता है, मुझे तो लगा आपने सच बोल दोगे। लेकिन मैं तो वो सच नहीं बोला था ना, वो तो मैनू भी पता है, पर आपकी मम्मी को तो सब सच्ची लगेगा ना। इतनी अच्छी एक्टिंग जो की थी आपने, क्या स्टोरी बनाई थी आपने, क्या रोमांस था आपकी कहानी में, क्या ड्रामा था आपकी कहानी में। ऐसे सच बताइए, आपने इतनी रोमांटिक कहानी सोची कहाँ से? देखने में तो आप बड़े ही भोले लगते हो जी। क्या स्टोरी थी, मैंने इसको मेले में देखा, मैंने इसको शादी वाले घर में नाचते हुए देखा जी। छड्डो परे, एक बार ऐसे आपका खत्म हो जाए ना जी, तो मैं आपकी मम्मी जी से जाके खुद ही सॉरी मांग लूंगी आपकी तरफ से। मेरी वजह से आपको इतना झूठ जो बोलना पड़ता है उनसे, मुझे बिल्कुल चंगा नहीं लगता है जी, बिल्कुल भी नहीं। पर छड्डो परे, वो मैं कह रही थी, कहाँ गए? कितनी बातें करती हूँ ना, चले गए होंगे ये भी। दलजीत जी, आपको याद है एक बार मॉल में भी हमने ऐसी कहानी बना के चाचा जी को सुनाई थी, पर उसकी शुरुआत ना मैंने की थी, पर आज तो आपने कमाल ही कर दिया। क्या स्टोरी बनाई आपने, क्या स्टोरी बनाई है ना दलजीत जी। दलजीत जी आप सुन रहे हो ना? ऐ नहीं बोले जा रही थी मैं, ये तो सो ही गए छड्डो बरे जी। आपके जैसे किसी और आदमी को मैं नहीं जानती। जब मुझे रणवीर मिल जाएगा ना, तो हम दोनों मिलके आपको थैंक यू बोलेंगे। तब तक रब से दुआ करूंगी कि आप ऐसे ही रहो मेरे बेस्ट फ्रेंड। अब तक तो मेरे दिल की बात पहुंची भी नहीं, अब आज मुझे अकेला छोड़कर कैसे चले गए? बेबे, इनके लिए लौकी बना रही हूँ। सबके वास्ते वही बना ले पुत्र, अलग अलग सब्जियाँ क्यों बना रही है? बेबे, वो दीप और ब्यूटी लौकी नहीं खाते ना। दीप के लिए कुछ भी बना ले, ब्यूटी के लिए अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। मैं वीर जी की दवाइयाँ लेने जा रही हूँ, बेबे की भी ले आऊंगी, ठीक है? पहला घर तो यही है, इसका मतलब यही साहिबा का घर है। ब्यूटी। हाँ जी। मेरे लिए मिले तो कुछ जहर ले आना, तेरे हाथ से दवा तो मैं खाने से रही।